आओ 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 आओ। ये जो घर है ना, ये है नायला के होने वाले ससुरालियों का घर। अब तुमने करना ये है कि जैसे समझाया बिल्कुल वैसे करना, समझी? समझ गए आपा? समझ गए आपा। बहुत अच्छा हो गया। और एक बात का ख्याल रखना है, मेरा नाम ना है, मेरा जिक्र बिल्कुल ना हो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपा कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपका काम बिगाड़ के हमने अपना काम बिगाड़ना है क्या? बस आपा मेरी सोकन से जान छुड़वा दो। हाँ हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी तुम फिक्र ना करो। ऐसे भारी तावीज दूंगी, शोहर को घोल के पिलाना, ये सोकन जो है दफन हो जाए। मेरे काम का क्या होगा आपा? हाँ हाँ, तो तुम्हारा काम भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पहले मैंने काम कहा है उसकी फिक्र करो, है काम मेरा पूरा करके आना। आपा अपनी जान पे खेल के काम करूंगी, देखना जरा। हाँ, जान पे खेलना बनता है तेरा, है इस बहाने थोड़ी जान कम हो जाएगी, बहुत मोटी होगी, बहुत फैल रही है। अच्छा चल जाओ, अब जाके अपना काम करो, है मैं भी चलती हूँ। जाहिद बैठो बेटा। नहीं पप्पू, मैं ठीक हूँ। जाहिद बेटा मेरा यकीन करो, हम में से किसी की भी नीयत बुरी नहीं थी तुम्हारे लिए। अरे भैया ने बताया कि आप अस्पताल में, इसलिए मिलने चला आके। और पापा मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। पता नहीं हमारे खानदान को किसकी बददुआ है, कोई घर बसता ही नहीं, सब उजड़ जाते हैं। अब नवीद को ही देख लो, एक ही रट लगा रखी है कि जमीला को तलाक दूंगा। मैं कैसे समझाऊं उसे कि औरत और मर्द एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अरे मुझ बुड्ढी का क्या है, छोड़े कल मरती आज मर जाऊं, अपने बच्चों का कुछ सोचे। तुम दोनों बहन भाइयों का हाल ही देख। जुम्मे को नायला की शादी है पप्पू, आप शरीक होंगी तो अच्छा लगेगा। घर की कोई तो बड़ी औरत होनी चाहिए ना, आप ठीक हो जाएंगी तो आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज। नवेद, मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो, मैं इतना बदतमीजी नहीं करूंगी तुम्हारी अम्मी से। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मेरी माँ ने जितना सहना था सह लिया, अब जाओ यहाँ से। जाओ, मगर मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका सोचे? बच्चों का सोच कर ही चुप कर जाता था, मगर मैं नहीं चाहता कल को वो भी तुम्हारी तरबियत में तुम जैसे बने। अब जाओ, तलाक भिजवा दूंगा। जाहिद, जाहिद समझाओ अपने भैया को, मुझे तलाक ना दे, तुम्हारी वजह से मेरे घर को आग लग रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे पल जाएंगे तुम्हारे बगैर। पल तो जाएंगे लेकिन टुकड़ों में, फिर कभी जोड़ नहीं पाएंगे। क्या मतलब? टूटे हुए घरों में इंसान में हसरतें और पछतावे पलते हैं, बस एक बार घोंसला टूट जाए ना भाई तो सारे तिनके बिखर जाते हैं। किसी एक की सजा सबको मत दे, वरना खुदा ना खास्ता आपके बच्चों का भी वही हाल होगा जो मेरा और नायरा का होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ भी वही हो जो हमारे साथ हो? Thank you.